और अब बात देश के आम बजट की। मोदी 3.0 ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई अहम ऐलान किए। इस बार बजट में इनकम टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया है, जबकि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बदलाव है, 50 से अब ये 75,000 रुपए हो गया है, जबकि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में भी बदलाव किया गया है। आम जो टैक्स पेयर है उसे बड़ा लाभ दिया गया है। तो न्यू टैक्स रिजीम में आम टैक्स पेयर को राहत देने की कोशिश की गई है। टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। मैं विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है, इस नाते से मैं पूरे बजट और यहाँ